1 मई की रात जगह थी लखनऊ का इकाना स्टेडियम। आईपीएल मैच था लखनऊ सुपर जाइंट्स और आरसीबी का। उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और शायद कितने और महीनों तक होती रहेगी? देखिए, मेरी क्रिकेट फील्ड में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या आर्ग्यूमेंट को क्रिकेट फील्ड तक ही सीमित रखा है। दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और वो क्रिकेट फील्ड तक ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, बहुत लोगों ने टीआरपी के लिए बहुत चीज़ें डिमांड भी करी कि आप इंटरव्यू कर लीजिए, आप क्लैरिफाई कर लीजिए। जो चीज़ दो व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो क्रिकेट के फील्ड में हुई है, मैदान के बीच में हुई है, ऑफ द फील्ड नहीं हुई। शायद अगर ऑफ द फील्ड हुई होती या बाहर हुई होती तो उसको आप लड़ाई कहते हैं। हीट ऑफ द मोमेंट, दो व्यक्ति अपनी टीम के लिए रिस्पेक्टिवली जीतना चाहते हैं और दोनों के पास राइट है जीतने का। लेकिन अगर आप बताना चाहें हुआ क्या था उस रात? देखिए, मैं सिर्फ इसको इतना एलाबोरेट करूँगा और इससे ज़्यादा नहीं करूँगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था। अगर मुझे लगता था कि नवीन उल हक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना, और वो मैं आखिरी दम तक खड़ा होऊंगा, चाहे वो नवीन उल हक हो, चाहे यहाँ पर आप में से कोई भी होगा। अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, और यही मुझे सिखाया गया है और ये मैं हमेशा करूँगा, और इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली कि नवीन उल हक को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था। अगर मेरी टीम का प्लेयर भी गलत होता है तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं खड़ा होता। अगर मुझे लगता था कि वो ठीक थे तो मेरा पूरा फर्ज बनता था। बिल्कुल, और मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से जीता हूँ और जीता रहूँगा।